बदायूं में क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला बदायूं इकाई द्वारा मियाऊ बाजार में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शाहबाद में पूर्व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जयंती समारोह मनाया गया। रामपुर के पसगावा के ब्लॉक सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरा ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। भ्रष्ट प्रधान के खिलाफ जांच करने नहीं पहुंचे भ्रष्ट अधिकारी, ग्रामीणों में रोष। रामपुर की तहसील के सिलाई बड़ा गांव का मामला। हसनपुर नगर के रहरा अड्डे पर बीती रात गोदाम के छत की टीन शेड तोड़कर गोदाम में दाखिल हुए चोरों ने लाखों रुपए के माल पर किया हाथ साफ। बाराबंकी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन राजीव चौधरी की शुक्रवार को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मृत्यु। संबल में भाजपा जिला कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती मनाई गई। ओमवीर सिंह खड़गवंशी और पदाधिकारियों ने फूल माल्यार्पण। टांडा में भीम फोर्स के हाफिज रिजवान के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण को तत्काल प्रभाव से रोकने को लेकर उप जिलाधिकारी के पेशकार के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। संबल तहसील स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के अंतर्गत थाना उसावा पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को दबोचा। महोबा के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कबरई खनन क्षेत्र के पहरा और कुंभ डोरा में संचालित खनन चेक पोस्ट, खनिज वेरियर और वहां के क्षेत्र में संचालित क्रेशर और खदानों का किया औचक निरीक्षण। मौजूद कर्मचारियों को दिए निर्देश। वाराणसी में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। चुनाव आते ही बड़ी अवैध शराब की तस्करी। चंदौली में उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर पुलिस ने 40 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की बरामद। पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, संक्रमण से मृत्यु पर परिजन को 10 लाख की आर्थिक सहायता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा शहर क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लोगों को किया गया जागरूक। पीएसी के 900 जवानों को बड़ी राहत, सीएम योगी ने तत्काल प्रमोशन के लिए दिया आदेश। बागपत में फिर दिनदहाड़े मुठभेड़, कुख्यात शराब तस्कर के पैर में मारी गोली, गिरफ्तार। आगरा में अवैध रूप से हुक्का बार में उड़ाए जा रहे थे धुएं के छल्ले, 8 गिरफ्तार। योगी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को दी बड़ी सौगात, अब आसानी से मिलेगा लोन।